शिकस्ती मगर फिर कायदे आजम साली रहनुमा निकला। अलम लहरा गए दुनिया में इस मुल्क मुआजम के, अलम लहरा गए दुनिया में इस मुल्क के मुआजम के, मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। तसव्वुफ़ के बयां को होश ने रूहे आश ना पाया, पाकिस्तान। You may belong to any caste or creed that has nothing with the business. He also said that this is your government. It is quite different from its predecessors. Therefore, appreciate when a good thing is done. And sincerity and forcefully went around. I am here to deliver the 14 points of Qaid-e-Azam. Qaid-e-Azam refused to accept the Lenin report and proposed his 14 points in 1929. He said, number one, the form of the future constitution should be federal with the form of government invested in the provinces. Number two, a uniform mayor autonomy shall be granted to all provinces. Third, there will be effective representation of minorities without reducing the majority or even equality. Fourth, in central legislature, Muslim representation shall be not be less than one third. Fifth, separate electorate should be abandoned. Sixth, protection of influences in the majority. Seventh, the full religious liberty, liberty of belief, worship and propaganda should be granted. Eighth, about bill resolution about committees. Ninth, Sindh should be separated from Mumbai. Tenth, reforms should be introduced in the NWFP and Balochistan. 11th, there will be a share of Muslims in civil services. 12th, religious and cultural protection of Muslim will be required. 13, Muslim representation in ministry. And 14, and the last, central constitution and agreement of minorities will be signed. Thank you, have a nice day ahead. मिल्लत का पासबां है मुहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मुहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है मुहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मुहम्मद अली जिना। तो हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की अज़ां है मुहम्मद अली जिना, तकदीर की अज़ां है मुहम्मद अली जिना, मुहम्मद अली जिना। ए कौम अपने कायदे आजम की कद्र कर, ए कौम अपने कायदे आजम की कद्र कर। दो जिस मुल्क में इस्लाम की तौहीन हो रहा है, उस मुल्क के हर कसरे
में यजीदी को जला दो। जब बड़ी दलील के मुसलमान हर तरफ से जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे, उनका साथ देने वाला कोई न था, तब रब्बे कायनात की कुदरत ने जोश मारा और बकौले शायर खून फिर खून है बहता है तो जम जाता है, खून फिर खून है बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। The stars of a Republic Malitin. Assalamu alaikum and they were very fresh and good morning. Dear students, हमारे ग्रेट लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को होमेज और ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज एक स्पेशल असेंबली मुनक्कद की गई उनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर, जिसको आपके स्कूल फेलोज, आपकी क्लास फेलोज और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी टीचर्स की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। हमें जो आज एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद रियासत, एक स्टेट मिली है, तो सबसे पहले ये अल्लाह ताला की अता और फिर हमारे नेशनल जो हीरोज हैं उनकी सर्विसेज और उनकी सेल्फलेस एफर्ट्स की वजह से हमें मिली। उस पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, या सबसे पहले ये आपसे पूछूंगी, ये जो हमारे बेनिफिट्स लगे हुए हैं उस पर एक पॉइंट लिखी है, वर्क इज वर्शिप। What does it mean? Work is worship. इसका क्या मकसद है? ये मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा? Who? Raise the hand please. Work is worship. काम इबादत है। Very good. काम जो है वो इबादत है। तो काम, what does it mean? काम means the responsibility. ये जो मेरे वर्ड्स हैं ये सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं हैं, पर जो मेरे रेस्पेक्टेबल टीचर्स हैं उनके लिए भी है। ये जो मैं कोट कर रही हूँ वो मैं अपने लिए भी कर रही हूँ। द वर्क इज वर्शिप। हमारा जो काम है, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम उसको इबादत समझ के करें तो, और इबादत कैसे होती है? इबादत हमेशा खालिस नीयत और दिल के खुलूस से होती है, और जब खालिस नीयत और दिल के खुलूस से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएं, तो आप सोचें ये स्कूल कहाँ होगा, आपका फ्यूचर कहाँ पर होगा, ये नाम, ये आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर कहाँ पे होगा। लेकिन सिर्फ हमें खुलूस से दिल, कंसंट्रेशन और अच्छी नीयत की जरूरत है। उसके लिए मेरे लिए भी जरूरत है कि जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू फैसिलिटेट यू टू गिव यू अ क्वालिटी एजुकेशन, मैं उसको इबादत समझ के करूँ। और जो मेरे असातिज़ा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू टीच यू इन अ गुड मैनर सो दैट दे गिव यू अ गुड एंड ब्राइट फ्यूचर। और आप लोगों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके से सीखें कि फिर दुनिया को लीड करें विद यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन वी कंपेयर एनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तीन चीजें इन्होंने कही है कि उन तीन चीजों से हम दुनिया की किसी भी डेवलप्ड नेशन के साथ खुद को कंपेयर कर सकते हैं, और वो तीन चीजें कौन सी थी? यूनिटी, फेयर एंड डिसिप्लिन। और यही तीन चीजें अब जो हमारे मुल्क का जो एम्बलम है उसका मोटो भी यही तीन चीजें हैं, यूनिटी, फेयर एंड डिसिप्लिन। अगर आप इन तीन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में शुमार कर लें और इम्प्लीमेंट कर लें, तो आपको तरक्की करने से दुनिया की कोई नेशन, दुनिया की कोई ताकत जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इबादत समझ के करें। ये ना समझें कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, ये समझें कि आपको अल्लाह देख रहा है। थैंक यू सो मच।